Welcome to your channel Wealth and More. Subscribe to get access to quality content about stock markets, stock levels and more. कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक को मैंने कवर किया था, ये स्टॉक अराउंड 900 के लेवल पे चल रहा था, तब मैंने बोला था कि आपको वेट करना है और 810 के नीचे आपको उसको बाय करना है। अभी उसका जो राइट लेवल है वो आ गया है, लाइक आप इसमें फर्स्ट लॉट बाय कर सकते हो डेफिनेटली, और सेकंड लॉट के लिए आप वेट कर सकते हो क्योंकि सेकंड उसका लेवल अराउंड काफ़ी नीचे है, अराउंड 15-20% नीचे है। तो डेफिनेटली आपको अगर यहाँ पे एक बैंक के जो अराउंड यहाँ से 37% करेक्ट हुआ है ये वाला बैंक, तो डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, तो बाय ऑन डिप्स आप इसमें कर सकते हो। ये अभी स्टॉक के उसका जो राइट लेवल है यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे अभी मैं जो अभी उसका जो करंट लेवल है 29 से लेके उसका जो 780 का लेवल है, यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो ये वाले जोन में 829 से लेके 729 के लेवल पे। अभी RSI 37 है, तो अभी RSI वीक नहीं, तो मुझे लगता है यहाँ पे 800 का लेवल एक बार तोड़ देगा और आके नीचे एक बार एक क्लोजिंग दे सकता है। तो थोड़ा बीरिश है स्टॉक अभी शॉर्ट टर्म के लिए, बट डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेक ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसी के लिए मैं आपको 900 के लेवल से बोल रहा था कि आपको वेट करना है, स्टॉक में बाय नहीं करना है सिंस इसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एग्जिट कर रही है अपने डोमेस्टिक मार्केट में से। तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक पहला कैंडिडेट हो सकता है एग्जिट होने के लिए, तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हो आप। 800 का एक लॉट आप बाय कर सकते हो, बट डेफिनेटली अभी मैं आपको जो लेवल बोले थे मैंने 29 से लेके 780 के जो लेवल है, ओके अगर आपको इन बिटवीन चाहिए तो 800 के लेवल पे आके एक स्टॉक बाय कर सकते हो, देन 700 एंड 600 ऐसा आप उसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हो ये वाले स्टॉक में, ओके तो ये था इंडसइंड। बंधन बैंक अपना एक नया 52 वीक लो लगा यहाँ पे, उसने 230 के लेवल पे ये स्टॉक चला गया था सुबह मॉर्निंग में जब पैनिक, RBL बैंक का न्यूज़ था, इसी के कारण सारे बैंकिंग स्टॉक ने आज काफ़ी अच्छा लो बनाया। ये वाला जो स्टॉक है ये उसका जो ये लेवल था 239, ये सितंबर 20 का एक लेवल था, काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले का जो लेवल था उस लेवल पे ये स्टॉक चला गया था। यहाँ पे उसने थोड़ा रिकवरी दिखा, यहाँ पे रॉकेट टाइप का कैंडल बना है, तो यहाँ से ज़्यादा गिरावट होनी नहीं है वाले स्टॉक में, तो डेफिनेटली एक अच्छे बाइंग जोन में ये स्टॉक आ गया था 230 के लेवल पे। तो ये स्टॉक में फंडामेंटल्स में अभी लाइक लॉस रिपोर्ट किया ये वाले स्टॉक ने, तो डेफिनेटली उसी के कारण ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस था। तो अभी ये जो उसका जो पहले सपोर्ट हो सकता था 260 का लेवल, अभी उसके लिए रेजिस्टेंस के आज काम कर सकता है। जब तक ये 260 के ऊपर निकलता नहीं तब तक ये स्टॉक वीक रहेगा। बाय ऑन डिप्स डेफिनेटली आप इसमें कर सकते हो ये वाले स्टॉक में। आज उसने अराउंड 250 के अराउंड ये स्टॉक ने क्लोजिंग देना चाहिए यहाँ पे मुझे लगता है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे, बट स्टॉक वीक है जब तक वो 260 के ऊपर निकलता नहीं है, क्योंकि RSI उसका अभी 36 है, तो RSI भी वीक नहीं है, तो वीकनेस बनी रह सकती है वाले स्टॉक में। तो 260 से लेकर 230 के लेवल में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर सकता है कुछ दिनों के लिए। 260 के ऊपर निकलता है तो उसको काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है ये वाले स्टॉक को, तो बहुत दिन से ये रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मैंने इसको कवर किया है 2-3 बार, तो उसने लोअर साइड में अभी ब्रेक दिया है, तो डेफिनेटली इसका अभी लोअर रेंज बन जाएगा ये वाले स्टॉक का। बंधन बैंक एवं स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना जो उसका जो उसने अप्रैल 21 में एक जो लेवल लगाया था उस लेवल पे चला गया था, अराउंड ये लोअर सर्किट लग गया था ये वाले स्टॉक में, ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती नहीं है, तो आज मॉर्निंग में उसके लोअर सर्किट लग गया था, बट वहाँ से उसने अच्छी रिकवरी दिखाई है। जो उसका मॉर्निंग का लो था अभी वो स्टॉक अराउंड 11% वहाँ से रिकवर हो गया ये वाला स्टॉक, तो डेफिनेटली स्टॉक तो वीक है अभी फंडामेंटली आप टेक्निकली सॉरी यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये स्टॉक ये जो उसका जो 920 से लेवल है वो 1000 रुपीज़ के लेवल में आप डेफिनेटली इसमें लुकआउट कर सकते हो, बट मैं अभी इसमें वेट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा करेक्शन हुआ नहीं है सच, क्योंकि ये जो उसने रिसेंटली हाई बनाया था ये स्टॉक वहाँ से 125%, अभी इसमें 10% करेक्शन के लिए और आप वेट कर सकते हो। 920 का जो लेवल है उसके नीचे डेफिनेटली आप उसको अक्यूमलेट कर सकते हो, वहाँ से ये स्टॉक बीरिश हो जाएगा, बट आपको इसको एकदम से क्वांटिटी बाय नहीं करना है, आपको बाय ऑन डिप्स करना है। 700 एंड के अराउंड उसका एक 52 वीक लो है, तो अभी ठीक ये स्टॉक में 52 वीक लोस टच नहीं किया है, तो 920 के नीचे और बीरिश हो जाएगा, तो एकदम से बाय नहीं करना है आपको, बाय ऑन डिप्स करना है ये वाले स्टॉक में। क्योंकि अभी राइट लेवल अभी जो करंट लेवल है इस पर, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको बाय नहीं करना है, आपको 920 के नीचे ही उसको बाय करना है। 920 के नीचे एक लॉट और जैसे जैसे 100 रुपीज़ गिरता है तो डेफिनेटली आप उसमें एक लॉट बाय कर सकते हो। तो ये था ये स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।